इस बार संभल का माहौल क्या रहेगा, कौन जीतने वाला है? संभल का माहौल अब कहते भाई साहब हाथी जीतेगा। हाथी जीतेगा? हाँ क्यों, हाथी ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी जीत जाएगा संभल? अरे भाई साहब हम तो जानते ना, मैं 6 किलोमीटर रोड डेली गाड़ी चला के जाता हूँ, सारी रोज गाड़ी गिरती है मेरी गड्ढों में। अच्छा, रोड आज तक मैंने समझ भाई सरकार ने आज तक ना बीजेपी उन्होंने रही। तो शिकायत नहीं करी जियाउर रहमान पर? कितनी बार शिकायत करी, वो मिले तभी तो करें। वो तो जीतने के बाद में आज तक कुंदरगी में आए ना, कोई ना। अच्छा, जीतने के बाद ही नहीं आए वो आज तक, शिकायत किन से करने जाएंगे? संभल जाते हैं किराया फूक के घर आ जाते हैं, अपने मिलते हैं ना, चाहे वो घर में हो मना कर देता। 24 चुनाव को लेकर लगातार मीडिया वॉइस की टीम कवरेज कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है कि माहौल क्या है। इस वक्त हम संभल लोकसभा के अंदर मौजूद हैं और विधानसभा है कुंदरकी। कुंदरकी का ये गांव लगता है हरियाणा। हरियाणा की आवाम मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ की आवाम इस बार किन मुद्दों को लेकर वोट देने वाली है और पिछले सांसद के कैसे काम रहे हैं, आने वाले वक्त में किसकी सरकार देखना चाहते हैं और इस बार संभल से अपना सांसद किसे चुनने वाले हैं। क्या नाम है आप? मीडिया वॉइस आपकी आवाज। मैं आपका गंगाराम। गंगाराम, क्या लग रहा है आपको, 2024 का चुनाव है, इस बार किसे जा रहा है संभल का वोट? किसे जा रहा है? हाथी गई है और किसे जा रहा है? हाथी को? हाँ क्यों, साइकिल को तो देख देख लिया ना, साइकिल को देख देख लिया, साइकिल गया देख लियो, साइकिल गड्ढों में घुस रही है, साइकिल गड्ढों में घुस रही है। हाँ, गड्ढे तो खत्म करवा दिए योगी सरकार ने। नहीं, गड्ढे कहाँ, हमारे रोड पे अब भी गड्ढे तैयार हैं। अच्छा, जिसे भरोसा ना हो तो मौजूदगी में देख ले। कौन सा रोड है आपका? कुंदरकी से डींगरपुर, कुंदरकी से डींगरपुर तक। अच्छा, और क्षेत्रीय सभी रोड टूटे हुए हैं, ऐसे हरियाणा को कोई भी रास्ता सीधा नहीं है। अच्छा, बिना गड्ढों के अलावा। यहाँ के तो विधायक जियाउर रहमान है, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कद्दावर नेता के पोते हैं। अरे दो दादा पोते खा गए पूरे देश को। देश को खा गए? पूरे क्षेत्र को खा गए। अच्छा, क्षेत्र को खा गए। हाँ, तो बड़ी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कहाँ लड़ रहे हैं? संभल में। हमारे कहीं दिखाई भी नहीं दे रहे कहीं। अच्छा, तो आपके गाँव में नहीं आ रहा है क्या? ना। तो इस बार क्या चाह रहे हो फिर? हम चाह रहे हैं अपने बीएसपी को वोट जाएगा, हमारा बीएसपी को जाएगा, सोलत अली को, सोलत अली को, हमारी बहन जी को वोट जाएगा। अच्छा, जिसके नाम से अधिकारी भले सभी कांपते हैं। अच्छा, निष्पक्ष लेने के लिए कोई नहीं, हाथ नहीं फैला सकता। आज जो है निष्पक्ष चल रही है खुलेआम, रिश्वत चल रही है। हाँ, बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, महंगाई इतनी हो गई। अच्छा। हाँ, क्या नाम है आपका? जसवंत सिंह। किशन सिंह, क्या लग रहा है आपको, किस बार वोट किसे जाएगा? हमारा तो कल गिनती है ना, हाथी पे ही जाएगा हमारा तो, पांच जाएगा। ओ, साइकिल पे नहीं जाएगा? हाँ, फूल को हम कहीं कहीं भी दे दो, हमारा नाम तो हो ही है। अच्छा, हर पब्लिक देखे तुम तो उनके आदमी, अभी हम नहीं दोगे। अच्छा, पहले कहाँ गया था फूल पे? अरे पहले, हाँ पहले फूल पे दिया, पहले फूल पे दिया। हाँ, आपने कहाँ दिया पहले? पहले हाथी को दिया था। पहले हाथी को? आप किसे दोगे फूल को? हाथी को देंगे। अच्छा। हाँ, हमारी बहन जी को कामयाब करना है और आपको जनता दिखानी है कि कैसा चलता है माहौल और कैसा होता है, बच्चों की नेक तो पढ़ाई और ना कुछ, जनता क्यों बिगड़ी? हाँ, कि राशन पर बिगड़ी और सिलेंडर पर बिगड़ी है। अच्छा। हाँ, इन्हें धोखा दिया है कि ऐसा होगा तुम्हारे संग में और ऐसा ऐसा करना है, कोई भी भर्ती या नौकरी में कोई अखबार नहीं हुई आज तक। अच्छा। हाँ, तो इस बार बहन जी को, ये बहन जी को हम कामयाब करेंगे और बहन जी को दिखाएंगे हम कि हमारे दलित कितने हैं। क्या नाम है? मदन पाल नाम है मेरा। मदन पाल जी, क्या लग रहा है आपको, इस बार किसे जाएगा वो? माहौल बढ़िया लग रहा है, हमारे बहन जी का बहुत बढ़िया माहौल है। बहन जी का है, फूल का है? नहीं, बिल्कुल नहीं है, फूल तो ऐसा मतलब लोकसभा से हारेगी। अच्छा। हाँ, कौन साइकिल जीतेगी फिर? नहीं, हमारे हाथी जीतेगा। अच्छा। हाँ, टोटल हमारी बिरादरी जितनी भी है एससी की, एससी वाली। हाँ, सब टोटल बीएसपी को वोट दे रही है। और मुस्लिम? मुस्लिम, मुस्लिम हमारे साथ है। हाँ, हमारे हरियाणा से जीत के जाएगा। कहाँ है मुस्लिम आपके साथ? अरे भाई साहब, तुमने कम करी ना बात। हाँ, हम सारे मुस्लिम से बात करा दें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हनीफ है। हनीफ जी का वोट कहाँ जा रहा है? हाथी पे। हाथी पे, हाथी पे जाओ साहब, हाथी पे। पहले देखा धोखा खा गए, किसे दिया था? गलती हो गई, पहले साइकिल को दिया, हम तो हाथी को देंगे आपका। क्यों? इसलिए कि देखो क्या कह मैं ना, तो क्या कह मैं, किसी की सुनवाई तो है ना किसी चीज़ की? अच्छा, साइकिल वालों में सुनवाई नहीं है ना? साइकिल में ना बीजेपी में कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, मायावती की पार्टी में सुनवाई? हाँ, आज में सुनवाई होगी। अच्छा, ये हम मजदूर आदमी, हम मजदूर आदमी की सुनवाई होती है।
और हमें इसमें फैज लगा और किसी पार्टी में फैज लगा ही ना। क्या नाम है आपका? श्यामेंद्र सिंह। श्यामेंद्र सिंह। श्यामेंद्र सिंह, आप युवा हो, आप युवाओं का वोट कहाँ जा रहा है? युवाओं का भी वहीं पर जाएगा जहाँ पर हमारा पहले से जाता रहा है, और आगे भी अगर सरकार हमारी मायावती की बनती रही तो वो भी आगे भी वहीं पर ही वोट जाएगा। और जो है क्योंकि और जो हमने सरकारें देखी उन सरकारों में देखा कि अगर कोई वैकेंसी निकाल रहे हैं तो उसका पेपर लीक हो जाता है, क्योंकि उन पर इतनी सिक्योरिटी भी नहीं हो पा रही है कि वो जो है उसकी सिक्योरिटी कर सकें कि जो भर्ती निकाली है कि उसे हम पूरी कर पा सकें। अगर कोई भर्ती निकाली है तो 3 साल या 4 साल ऐसी कौन सी भर्ती है कि ये 3 साल या 4 साल में उसके कोई जो फॉर्म डाला है हमने वो जो है वापस ही नहीं आ रहा है। ऐसे मैंने कई ऐसे फॉर्म भरे हैं कि जो है वापस ही नहीं आए, वो जो है पेपर ही नहीं हुआ है उनका। और आज भी मैंने डाले थे राजीव कुमार। राजीव जी, क्या लग रहा है इस बार संभल का माहौल क्या रहेगा, कौन जीतने वाला है? संभल का माहौल अब कहते भाई साहब हाथी जीतेगा। हाथी जीतेगा? हाँ। क्यों हाथी, ऐसा क्यों लग रहा है कि हाथी जीत जाएगा संभल? अरे भाई साहब हम तो जानते हैं, मैं 6 किलोमीटर रोड डेली गाड़ी चला के जाता हूँ, सारी रोज गाड़ी गिरती है मेरी गड्ढों में। अच्छा, रोड आज तक मैंने समझ भाई सरकार ने आज तक ना बीजेपी उन्होंने तो शिकायत नहीं करी जियाउर रहमान पर? कितनी बार शिकायत करी, वो मिले तभी तो करें। वो तो जीतने के बाद में आज तक कुंदरगी में आए ना? कोई ना। अच्छा, जीतने के बाद ही नहीं आए वो आज तक? शिकायत किन से करने जाएंगे? संभल जाते हैं किराए फूक के घर आ जाते हैं, अपने मिलते हैं ना, चाहे वो घर में हो मना कर देते, बोले दिल्ली है दिल्ली है। अच्छा। फायदा क्या हो रहा है? जी मैं अखिल भारतीय अम्बेडकर युवा संघ से अध्यक्ष हूँ नवनीत कुमार जी। आज हमारा सभी समाज बहन जी को जो है जिताने की कोशिश कर रहा है, और शायद है कि बहन जी में पहले से अच्छाई हैं तो अब भी अच्छाइयाँ मिलेंगी उनमें, और बाकी जितनों को हमने वोट दे के देख लिया हमारा समाज और नव जो युवक हैं वो आज परेशान दुखी चल रहे हैं, बहुत पीड़ित हो रहे हैं, कोई शिक्षा के रूप में, कोई बेरोजगारी के रूप में। हमारी बहन जी ने सभी को इज्जत दे, सभी को संस्कार दे, सभी को शिक्षा के ओर लेके गई, चाहे वो किसी भी धर्म का है, और उसने एक तरफा काम करा है हमारी बहन जी की सरकार ने सभी समाज के लिए, कि चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी है उसे शिक्षा भी और एक नौकरी भी अच्छी दिलवाई। 60 साल की उम्र आ गई। हाँ। हमने बाजरा पैदा भी करा, जब भी बाजरा अपने ढोरों को खिलाया हमने नहीं खाया। हाँ। जो आज भीख मांग के बाजरा खाया मोदी जी का। हाँ। भीख मांग के भीख किया जे, और क्या चीज है? अच्छा, भीख किया। हाँ। और इतनी महंगाई कर दी, कोई गरीब का बच्चा पढ़ नहीं सकता, लिख नहीं सकता। हाँ। महंगाई कहाँ है, आपको राशन तो दे तो रहे हैं, और क्या चाहिए? ना ऐसा राशन हमें ना चाहिए। अच्छा, और क्या चाहिए? हमें सुविधा चाहिए, जो 4 भाई मुस्लिम भी और जाडब भी और सभी फायदा हो। हाँ। हमें सबसे फायदा है। क्या लग रहा है फिर संभल में क्या होगा? हम उसे नहीं जानते विधायक को, हम तो जाने अपने जो जाट हो या मुस्लिम हो या कोई हो, हम जाने अपनी मायावती को। अच्छा, ठाड़ा कोई भी हो जाओ।